Today we'll discuss the anthelmintics. Anthelmintics are the drugs which are used against infection caused by parasitic worms, that is, helminth. Helminth term here is used for worms that are generally having a long or flat or round body. So the common helminths are mentioned in the screen. That is, roundworm, hookworm, threadworm.

Warms, में तीन तरीके से हम डिवाइड करते हैं जिसको हम सिस्टो और टर्मेटो बोलते हैं राउंड टू ह्यूम एंड कॉज डिफरेंट डिजीज ओके इन्फेक्शन ऑफ दीज पैरासाइट आर जन वायफेक्टेड अंडर कुकड फूड और वेजिटेबल्स और रॉ मीट और ड्रिंकिंग वॉटर तो सम आर विच वाइक एसकर जिसको हम बोलते हैं कॉमन राउंड वॉर्म फाइलरिस टेप हु ठीक है जैसे अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं सो so,

ड्रग्स जो इन वॉर्म्स को बॉडी के अंदर ही किल कर देते हैं उनको बोलते हैं वर्मिसाइड्स सो लाओ नाउ लेट्स डिस्कस द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंथलमेंटिक्स दीज आर द ड्रग्स फर्स्ट कैटेगरी इज वेंजिमिडाजोल इन दिस कैटेगरी मेमेंडाजोल एलमेंडाजोल थायाबेंडाजोल नेक्स्ट कैटेगरी इज क्यूनोलिनस एंड आइसोक्यूनोलिनस इसमें आएगी आपका ऑक्सामाइनोक्विन प्रिंसियोकेंटल पाइप्राजीन डेरिवेटिव जिसमें

साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे को ब्लॉक करता है अब ये साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे पैरासाइट में क्या रोल करता है जब कोई पैरासाइट इनवेड करता है पेनिट्रेट करता है और जो होस्ट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है तो पैरासाइट के पास अपना साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे होता है जिसकी वजह से वो पेनिट्रेशन कर रहा है इम्यून सिस्टम डाउन कर रहा है होस्ट का जिस पे कोई अटैक ना करे

मिलेगा उसके बाद डायथाइल कार्बोमाइल क्लोराइड सिलेक्शन कराएंगे उसके बाद एक इंटरमीडिएट बना उसके बाद फॉर्मल के बाद में हमें मिल गया ठीक है तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर ये बैनजिमेडाजोल माइटी होती है इसमें जैसे हमने भी पहले भी डिस्कस किया था बैनजिमेडाजोल माइटी और ये होता है इसमें थायाजोल माइटी ठीक है तो ये इसका जो आईपीसी है

The mechanism is that it inhibits the helminth-specific mitochondrial enzyme fumarate reductase, thereby inhibiting the citric acid cycle, mitochondrial respiration, and subsequent production of ATP, ultimately leading to helminth's death. In addition, it has been suggested that thiamindazole may lead to inhibition of microtubule polymerization by binding to beta-tubulin and has an overt obesidial effect with regard to some tricostrongylate. ठीक है सबसे पहले हम यह बात करते है। यह है। Actually, हैं देखिए ये सेल्स 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 हैं हैं एक्चुअली में में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है सिट्रिक एसिड साइकिल हो रही उनकी है में ठीक है तब क्या होगा तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल है जो हमने पढ़ा है क्रैफ साइकिल वो ये जो ड्रग होती है थायबेंडाजोल उसको ब्लॉक कर देती है रिविज कर देती है जिससे एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा एटीपी क्या होता है एक एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी नहीं मिलेगी उससे क्या होगा हेलमेंट्स की डेथ हो जाएगी उसके अलावा इसका क्या रोल है जब माइक्रोट्यूब्यूल्स ठीक है ये माइक्रोट्यूबुल्स के पॉलीमराइजेशन को भी रोकता है ये आपके माइक्रोट्यूल्स कहाँ रहती हैं ये आपके एक तरीके से एक्शन जो रहता है इनका एंडोप्लाजिम रेटिकुलम ठीक है और भी इफेक्ट भी इनका देखा गया ठीक है तो ये इसका मैकेशन है का ठीक है अभी बात करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड एजेंट

ठीक है तो ये आपका बेंजोइल मोइटी है फुटर पोजीशन पे अब बात करते हैं हम इसके मैकेनिक की तो इट इंटरफेयर विद द रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ हेलमेट बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ देयर साइटोप्लाज्मिक माइक्रो ठीक है देयर बाय सेलेक्टिवली एंड इरिवर्सिबली ब्लॉकिंग ग्लूकोज अपटेक दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर एंड लीड टू रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल जी होता है जैसे कि, है? है, कि आगे प्रोसेस होती है ठीक है सेट्रिक एसिड साइकिल होगी ए टीपी का प्रोडक्शन होगा तो ये ड्रग्स क्या करती है ग्लूकोज अपटेक को ही रोक देती है ब्लॉक कर देती है तो मेवन डाजुल

माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा रहती हैं ये न्यूक्लियस के पास ही रहती हैं अब अगर हम बात करें इसके करेंशन के लिए तो जैसा कि हमने पढ़ा था मैकेशन मेवेंडाजोल में कि ये ग्लूकोज री ग्लूकोज अपटेक को निवेट कर देते हैं पॉलीमराइजेशन या माइक्रोट्यूल्स को ब्लॉक कर देते हैं ठीक है तो ये सेम इसका मैगनेक्शन है एलवेंडाजोल का भी

ये मोइटी सेलिसन नाइट को रिप्रेजेंट करती है दिस वन ठीक है सेलिसनाइट तो ये क्लोरीनेटेड सेलिसनाइट है इसका अगर हम इसका अगर हम देखें तो ये है फाइव क्लोरो एन टू क्लोरो फोर नाइट्रोफिनाइल टू हाइड्रोक्सी बेंजामाइट ठीक है अगर हम बात करें इसके ये एक बेंजामाइट कैटेगरी से है अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप बात करते हैं मैकनेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट है इसका भी

माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग कर देती है उससे क्या होगा ईटीसी इनहिबिट हो जाएगा और एटीपी नहीं मिलेगा और सेल्स की डेथ हो जाएगी इसलिए पैरासाइट इमोबिलाइज्ड हो जाएगा और खत्म हो जाएगा तो निकलोसमाइड इज एन एंथेलमेंटिक यूज्ड अगेन टेप वॉर्म इंफेक्शन ओके ध्यान रखना आपको ये टेप वॉर्म इंफेक्शन में यूज होता है नेक्स्ट ड्रग इज ऑक्सामैनिक क्विन इज टेट्राहाइड्रो क्यूनोलीन डेरिवेटिव, इस निमंत्रित टेट्राहाइड्रो क्यूनोलीन, दिस वन हमने क्यूनोलीन डेरिवेटिव पढ़ रखे हैं, ये टेट्राहाइड्रो क्योंकि ये रिंग सेटरेटेड है, ठीक तो तो है, ये सामय सिंथेटिक टेट्राहाइड्रो क्यूनोलीन, एंड पॉजिटिवली एक्ट वाइड डीएनए बाइंडिंग, रिजल्टिंग इन कंट्रैक्शन ए तो जो मेल वॉर्म्स होते हैं वो मिजेंटिक वेन्स में होते हैं लिवर की ये वहां पर जाके उनको एक्ट करेंगे और इनका है डीएनए डीएनए से बाइंड करके उनमें क्रिएट क्रिएट करते करते हैं और पैरालिसिस हैं ठीक है तो इज क्विंटल अगर, तो अगर हम प्राजी का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इसका अगर हम आईपीसी ने देखें तो टू साइक्न कार्बोन आइल थ्री सिक्स सेवन इलेवन बी टैट्राहाइड्रो वन एच पैराजी फोर ऑन ठीक है तो ये स्ट्रक्चर है तो प्राजी इज ए पायराज आइसो डेरिवेटिव देखिए आप लोगों के सिलेबस में ड्रग्स हैं अलग अलग कैटेगरी है सबका अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रिंग स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पापराजीन है कौन सा है, कौन सा, सा आइसोक्यूनोलिनो तो आइसोक्टिविकॉपर्टी हम लोग तो हैं अब इसकी बात करें अगर की तो बहुत सिंपल सा इसका मैकेशन है ये क्या करता है इट इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ द टेगुमेंट ऑफ सरसेप्टेबल वॉर्म्स रिजल्टिंग एन इनफ्लक्स एंड इंक्रीज इन इंट्रा टेगुमेंटल कैल्शियम लीडिंग टू रैपिड कॉन्ट्रेक्शन है वहां पर कैल्शियम का इंटेक बढ़ा देता है उससे क्या होगा जब कैल्शियम तेजी से अंदर मतलब इनफ्लक्स होगा तो उससे रैपिड कॉन्ट्रेक्शन होगा पैरालिसिस हो जाएगा ठीक है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है तो ये प्राजिकुंटल है प्राजिकुंटल ठीक है इसका मैकेशन तो वॉर्म डिस्प्लेसमेंट और सेल का डेथ हो तो प्राजिकुंटल इज एन एंथेमेटिक एजेंट विद एक्टिविटी अगेंस्ट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रेमेटोर दैट इज यूज प्रीडोमिनेंटली इन द थेरेपी ऑफ सिस्टोसोमियासिस लिवर फ्लूक्स एंड सिस्टिस सर्कोसिस देखिए आपको इसमें कुछ नए अलग अलग से नाम आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले जानना भी जरूरी है कि वॉम्स क्या हैं की कैटेगरी क्या है जैसे मैंने पहली वाली आपको पहले स्टार्टिंग में बताया तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है द एबरमैक्टिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग इस पर भी रिसर्च भी की जा रही है कि कोरोना वायरस में भी इसका एक्शन देखा गया है तो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन रिंग डेरिवेटिव मतलब लेक्ट्रॉन डिराइव मोइटी होती है मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन डिराइव फ्रॉम स्टेप्टोमाइसिस एवरमेटिलिस जैसे हमने मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक्स पढ़ी थी तो वो भी मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन लिंक्स हैं बट इसमें एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी होती है ठीक है अगर हम इसके मैक्रोएक्शन की बात करें तो मैक्रोएक्शन ऑफ आइबरमेक्टिन इज इट एक्सर्ट इट्स एंथेलमेटिक इफेक्ट बाय एक्टिवेटिंग ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स एक्सप्रेस्ड ऑन निमेटोड न्यूरॉन्स एंड फेरेंजियल मसल सेल्स डिस्टिंग फ्रॉम द चैनल ओपनिंग इंड्यूस्ड बाय एंडोजेनस देखिये हमने अभी तक जो एक्शन देखे ड्रग्स के वो पैरालि क्रिएट कर रहे हैं चाहे वो डीएनए से बाइंड कर रहे हैं कैल्शियम इनफ्लक्स बढ़ा रहे हैं यहाँ क्या होगा जो न्यूरोन्स हैं